हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको कंप्यूटर में कोई भी फाइल बनाने के बाद सेव करना, ओपन करना, न्यू पेज लेना, पेज सेटअप करना, प्रिंट करना और एग्जिट करना सीखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ न्यू। एक बटन होता है हमारा न्यू, जिसका काम होता है क्रिएट ए न्यू पेज। ठीक है, एक नया पेज लेना। कैसे लेंगे? तो सबसे पहले हम चलेंगे फाइल मेन्यू। फाइल मेन्यू में जाने के बाद सेकेंड स्टेप हमारा है न्यू। जैसे हम न्यू पे क्लिक करेंगे, हमारे पास एक नया पेज आ जाएगा। उसके बाद एक बटन है हमारा ओपन, जिसका काम क्या होता है, ओपन अन एग्जिस्टिंग फाइल। उस फाइल को ओपन करना जो कंप्यूटर में पहले से सेव होती है। तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हमारा स्टेप फर्स्ट है, फाइल मेन्यू में जाएंगे। उस पर जाने के बाद ओपन पे क्लिक करेंगे। ओपन में जाने के बाद फाइंड योर डॉक्यूमेंट, फिर अपने डॉक्यूमेंट को फाइंड करेंगे। और लास्ट में हम करेंगे क्या, ओपन। तो जैसे ही हम ओपन पे क्लिक करेंगे, हमारी फाइल ओपन हो जाएगी। थर्ड स्टेप, एक बटन होता है हमारा सेव, जिसका काम क्या होता है, सेव ए न्यू फाइल, एक नए फाइल को सेव करना। कैसे करेंगे? तो फर्स्ट स्टेप होता है हमारा, फाइल मेन्यू में जाएंगे। फाइल मेन्यू में जाने के बाद सेव पे क्लिक करेंगे। सेव पे क्लिक करने के बाद थर्ड ऑप्शन होता है हमारा सेलेक्ट लोकेशन। फिर लोकेशन चूज करेंगे कंप्यूटर में हमें कहाँ सेव करना है। एग्जाम्पल, जैसे डॉक्यूमेंट, पिक्चर, म्यूजिक या एनी अदर लोकेशन। आप अपने डॉक्यूमेंट को जिस जगह पे सेव करेंगे, आपको फाइल उसी जगह मिलेगी। उसके बाद फोर्थ स्टेप हमारा है क्लिक सेव। एक बटन हमारा सेव का होगा, उस पर जैसे ही क्लिक करेंगे, हमारी फाइल सेव हो जाएगी। उसके बाद एक होता है सेव एज। तो सेव एज में देखिए कैसे करते हैं इसका यूज। सेव एज यूज टू अल्टर नेटिव नेम ऑलरेडी सेव डॉक्यूमेंट। जो फाइल पहले से सेव होती है, उसी को किसी दूसरे नाम से सेव करना। तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हम चलते हैं पेंट बटन, सॉरी फाइल मेन्यू। फाइल मेन्यू में जाने के बाद हम क्लिक करेंगे सेव एज पे जाने के बाद सेलेक्ट लोकेशन। लोकेशन चूज करेंगे हमें फाइल कहाँ पे सेव करनी है। उसके बाद एंटर फाइल नेम, फिर यहाँ पे फाइल का नाम भी लिखेंगे। और ये सेव में भी लोकेशन चूज करने के बाद फोर्थ स्टेप होता है हमारा इंटर फाइल नेम। फाइल नाम लिखने के बाद लास्ट में क्लिक करेंगे सेव। ठीक है, तो सिलेक्ट लोकेशन, इंटर फाइल नेम और लास्ट में हमारा है सेव। सेव करते हैं, हमारी फाइल सेव हो जाएगी। देखिए सेव और सेवज में क्या डिफरेंस है। सेव का मतलब होता है एक नए फाइल को सेव करना, और सेवेज होता है हमारा जो फाइल पहले से सेव होती है, उसी को किसी दूसरे नाम से सेव करना। एक होता है हमारा प्रिंट, जिसका काम होता है प्रिंट योर डॉक्यूमेंट फ्रॉम द प्रिंटर। अपने डॉक्यूमेंट को प्रिंटर से प्रिंट करना। कैसे करेंगे? तो फर्स्ट स्टेप फाइल मेन्यू, सेकेंड स्टेप
प्रिंट पे जाएंगे, प्रिंट के बाद जाने के बाद थर्ड स्टेप सेलेक्ट योर प्रिंटर, सेलेक्ट योर प्रिंटर, प्रिंटर सेलेक्ट करेंगे, लास्ट में हमारी फाइल है सेव, फिर अपने फाइल को सॉरी प्रिंट, फिर अपने फाइल को प्रिंट कर देंगे। उसके बाद देखिए जब भी आप प्रिंट करेंगे तो एक सिलेक्ट ऑप्शन जो है दिया हमारा सिलेक्ट योर प्रिंटर, तो यहाँ पे ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है, वो इसलिए कि अपने हम कंप्यूटर से कोई भी दो प्रिंटर अटैच कर सकते हैं, एक कलर और ब्लैक एंड वाइट, तो कभी भी हमें प्रिंट करना हो तो जब तक हम प्रिंटर सेलेक्ट नहीं करेंगे तो वो हमारा प्रिंटर उसी जो भी डिफ़ॉल्ट पहले से सेट होगा उसी से प्रिंट हो जाएगा। एग्जाम्पल में अगर हमें कलर प्रिंट करना है और ऑलरेडी पहले से हमारे पास ब्लैक एंड वाइट प्रिंटर सेलेक्ट है तो हम कलर प्रिंट नहीं होगा, ब्लैक एंड वाइट प्रिंट हो जाएगा, इसीलिए सिलेक्ट और प्रिंटर ये इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है। उसके बाद देखिए कभी भी कोई डाटा प्रिंट करने के बाद हमें बाद में जब डाटा आपका हार्ड कॉपी में आ जाता है तब हम देख सकते हैं कि वो कैसा प्रिंट हुआ, लेकिन एक ऑप्शन है हमारे पास प्रिंट प्रीव्यू, प्रिंट प्रीव्यू, जिसका काम होता है सी योर डॉक्यूमेंट, सी योर डॉक्यूमेंट बिफोर प्रिंटिंग, प्रिंट करने से पहले अपने डॉक्यूमेंट को चेक करना कि वो कैसा प्रिंट होगा, क्योंकि प्रिंट करने के बाद हम डाटा को चेंज नहीं कर सकते, तो कभी भी प्रिंट करना हो तो हम सबसे पहले चेक करेंगे उसका प्रिंट प्रीव्यू, ठीक है। तो प्रिंट प्रीव्यू का काम क्या होता है, सी योर डॉक्यूमेंट बिफोर प्रिंटिंग, तो प्रिंट करने के लिए क्या करते हैं, फर्स्ट स्टेप हमारा है फाइल मेन्यू, उसके बाद हम जाएंगे प्रिंट प्रीव्यू, प्रिंट प्रीव्यू में जाने के बाद जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे फिर वहाँ पे क्या कर सकते हैं आप, सी योर डॉक्यूमेंट फॉर प्रिंट, ठीक है, तो फिर वहाँ पे अपने डाटा को देख सकते हो कि आपका डाटा कैसा प्रिंट होगा। उसके बाद एक होता है हमारा पेज सेटअप, पेज सेटअप में किसी भी पेज की सेटिंग करते हैं जैसे लाइक सिलेक्ट साइज, पेपर साइज, मार्जिन, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट स्टेप है हमारा फाइल मेन्यू, फाइल मेन्यू जाने के बाद पेज सेटअप, पेज सेटअप में जाना है, उसके बाद सेलेक्ट योर पेपर साइज एंड मार्जिन, ठीक है, वहाँ पे पेपर साइज सेलेक्ट करेंगे और मार्जिन लेंगे और लास्ट में क्या करेंगे फिर सेट करने के बाद ओके, ठीक है। तो ओके करते ही हमारे पेज की सेटिंग हो जाएगी और जितना हमने मार्जिन में दिया होगा उतना ही आपका डाटा प्रिंट होके आएगा। फॉर एग्जांपल मार्जिन जो हम सेट करते हैं टॉप टॉप बॉटम लेफ्ट राइट, ये चार ऑप्शंस होते हैं जहाँ पे मार्जिन हमें सेट करना पड़ता है, ठीक है, और लास्ट में क्या करेंगे ओके। उसके बाद एक बटन है हमारा एग्जिट, एग्जिट इसका काम क्या होता है, क्लोज योर डॉक्यूमेंट आफ्टर सेव, ठीक है, कैसे करेंगे, तो फर्स्ट स्टेप हमारा है फाइल मेन्यू, फाइल मेन्यू में जाने के बाद सेकंड स्टेप है आपका एग्जिट, जैसे हम एग्जिट पर क्लिक करेंगे हमारी फाइल क्लोज हो जाएगी, तो कभी भी आप एग्जिट पर क्लिक करने से पहले अपने डॉक्यूमेंट को सेव कर लेंगे, तो ये क्लोज योर डॉक्यूमेंट आफ्टर सेव, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे इसका प्रैक्टिकल कि इन सब का यूज हम प्रैक्टिकल में कैसे करते हैं, ये हमारे नेक्स्ट वीडियो में आप देख सकते हैं, ठीक है, मैं आपको पूरा एक एक चीज़ के बारे में बताऊँगा कि हम इसको ओपन करना, न्यू पेज लेना, सेव करना, सेवेज करना, हम प्रैक्टिकली कैसे करते हैं, तो आप इसे कॉपी में नोट कर लीजिए और हमारे इन सब की प्रैक्टिकली देखने के लिए हमारे नेक्स्ट वीडियो में आप देख सकते हैं, ठीक है, थैंक यू। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए, ठीक है, बाय।